जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में मनीष मैथ्स पे क्या चल रहा है, सुपर सीरीज चल रही है। किसकी? सीजीएल प्री 2023 वाली, जो वक्त पेपर जो भी पेपर हुआ उसका चल रहा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा सीआईएसआई का जितना भी सवाल आया है सारा का सारा आज पढ़ेंगे और सारा लगाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे करना है इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और जो भी इंसान देखे इस वीडियो को, पहला आपसे अनुरोध है वीडियो खोलते ही कंप्लीट देखें, बिना कुछ सीखे यहाँ से जाने वाले नहीं है। एक एक चीज ये जानेंगे, हर चीज सीखेंगे। ठीक, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीआईएसआई का वो मैं अभी शॉर्ट नोट पे ऊपर क्लिक करूंगा, अगर आप पढ़ना रहेगा तो वहां से पढ़ के फिर यहाँ आके इसको देख सकते हैं। एक एक चीज बारीकी से किया जाएगा हर एक सवाल। और ये जैसा हमारा पहला स्लाइड लगा है तो ये चीज चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए है। ये आपको लोगो मालूम होगा, ये लोगो मनीष मैथ्स का है। ठीक है, और ध्यान से इंटरेस्ट कंपाउंड, ठीक, इस हिसाब से अगला है। पहला अगर हम हमारा स्लाइड देख रहे हैं तो पहला अगर मेरा स्लाइड जो लगा है वो स्लाइड लगा है किसका? एसआई का। मैक्सिमम सवाल इसमें एसआई के ही आए हैं, सीआई के सवाल दिखे नहीं है 2023 में, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे हमारा ये वाला सवाल है कि कितने वर्षों में, ठीक, कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, उतना ही ब्याज मिलेगा जितना, इट मीन्स कि ब्याज हमारा क्या है बराबर, और ब्याज बराबर रहेगा और सारी चीजें दी रहेंगी तो हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? पी आर टी इज इक्वल टू पी आर टी, डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पी आर टी इज इक्वल टू पी आर टी। तो पी आर टी यहाँ पे देखिए कितना रुपया है मेरा, 10,000 रुपया है। 10,000 पे कितना परसेंट? 4%। समय नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है तो क्या मान लें? टी। पी यहाँ कितना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पी 8,000 रुपये है, समय 5 और ये 4 होगा, तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 5 से काट देंगे दो बार में, ठीक, 2 से काट देंगे इसको कै बार में? 4 बार में। तो पहले वाले का आंसर कितना आया? 4,000। चेक कर लीजिएगा, एक एक सवाल करेंगे हिसाब से। अब इसको देखिए ध्यान से, अब ये वाला सवाल है, अब वहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ क्या करना था ध्यान से देखिए। ऐसा 2-3 सवाल इसमें लगा होगा, ठीक है, ये सवाल ध्यान से, ऑप्शन सारे गलत हैं इसके, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन कितना आया था? पहला है 9 सही 3/7, 17, दूसरा 6 सही 5/17, 8 सही 4/17 और 3/17, यानी 17 नीचे आएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये सवाल में हमको देखिए 2 एसआई मिला है और हमको कंप्लीट कुल कितना रुपया मिल रहा है? 280 रुपया कंप्लीट मिल रहा है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, 280 रुपया कंप्लीट मिल रहा है। तो एसआई, ये देखिए 5,000 पर 4 वर्ष के लिए रेट, हमने एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बताया था, तो अब हम लिखेंगे नहीं हम उस चीज को, ये याद रखिएगा, ये लिखेंगे 500 गुणे कितना? 4/100 और आर। अब ये लिखेंगे नहीं हम अगली बार से जब भी सवाल में आएगा, तो 5 चौके 20 आर डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ कितना होगा? 20 आर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सीधे? 7 × 2 = 14, 00 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा? 14 आर बराबर कितना? 80। तो ये बताइए 34 आर बराबर कितना हो जाएगा? 280। तो आर बराबर कितना होगा? 280/34 काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 140/17। अगर मैं 17 से इसको काट रहा हूं तो 17/8 = 136 सही 4/17% हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला? चले तीसरा आंसर, अगला देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को देखिएगा। ये हमारा वही सवाल है जिसको हम कहते हैं क्लास में एलिगेशन से लगाना, ठीक है। एसआई सीआई का कौन सा सवाल है जिसको एलिगेशन से लगाना? कह रहा है कि कुल 10,000 रुपए पर दो तरीके से ब्याज देता है, एक 10% पर और एक 15% पर, और 2 वर्ष में कुल कै रुपए पाता है? 2400। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 10% लिख लें और 15% लिख लें। ये बताओ 2 साल में अगर मुझे 2400 रुपया ब्याज मिला तो 1 साल में ब्याज कै रुपया मिलेगा? 1200। 1 साल में ब्याज कै रुपया? 1200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1200 मिला। और रेट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया? 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन में कितना जीरो कम? 2 जीरो कम, तो 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 12% घटा लेंगे तो 3 संबंधे कितना होगा? 2। 3 संबंधे
दो, बात समझ में आ रही है, तीन संबंधे दो हो जाएगा और तीन संबंधे दो कुल कितना हो गया पांच, और पांच बराबर कितना 10,000 मेरा कुल रुपया है, इसका क्या गुना 2,000, तो किसका मान पूछ रहा है इस वाले का, इसका 2,000 कितना हो जाएगा 4,000, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 मारेंगे आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कितना रुपया हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीन वर्ष में मिश्र धन पे यानी 104.4 रुपया हो जा रहा है 72 रुपया पे ब्याज, यानी 32.4 रुपया कह रूप वर्ष में, तीन वर्ष में, तो एक वर्ष का ब्याज कितना 10.8, एक वर्ष का ब्याज कितना 10.8, तो ये बताइए रेट का फॉर्मूला हमको यहां से निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला मेरे भाई क्या हो जाएगा, समान ब्याज दर पे चाहिए, तो रेट का फॉर्मूला एक वर्ष का ब्याज तथा मूलधन में 2,0 कम, तो ये 72 कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो यहां 100 से गुणा और नीचे 10 से गुणा, पॉइंट हट जाएगा, दोनों किससे कट रहा है 36 से, तीन बार में और 36 से दो बार में, दो से काट देंगे, जीरो से जीरो कट गया, तो ये कई बार में पांती आई 15% हुआ, तो कह रहा है 120 पर मिश्र धन कितना होगा, तो ये बताओ 100% बराबर अगर कितना रुपया 120, तो 1.2 गुना है, 1.2 टाइम्स है ना, तो ये बताओ मिश्र धन हमने बोला तो 5 के हिसाब से 5×15% 15×75 100 में जोड़ देंगे तो 175 का क्या गुना निकालना पड़ेगा 1.2 करेंगे ना, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 75 का 1.2, तब ये कितना आ जाएगा 2100 यानी 210। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी स्पीड से कह तो रहे एग्जाम टाइम में यही अप्रोच रखोगे फास्टेस्ट वे रहेगा कैलकुलेशन का, तो जाके हो पाएगी चीजें। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, इस सवाल को थोड़ा सा चेक कर लेना क्या डाटा गड़बड़ हो रहा है, ठीक, ये भी गड़बड़ लग रहा है, ये भी, इन दोनों में से कोई एक चीज गड़बड़ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा दोनों में से क्या गड़बड़ है, अगर इसको रुकिए एक मिनट हम चेक करके ही देख लेते हैं। चलिए ऑफिशियल पेपर से चेक किया गया है, तो ऑफिशियल पेपर से ये कितना है 14,522, ठीक, अब ध्यान से बात समझिएगा, अब सवाल लग जाएगा, ठीक है, ध्यान से लगाइएगा, ये सवाल तब हो जाएगा, कह रहा है कि 7 वर्षों में कोई धन कितनी हो जाती है 14,522 तथा 11 वर्षों में 18,906, माइनस करिए जल्दी से, तो 4 साल में कितना रुपया हो जाएगा 4 हो गया कैरी दिया, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी करिए 8 हो जाएगा कैरी, कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, सही है, अगर अब ये 4 से कट जाएगा तो ये बताओ हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9 और 6 आया 10,96, अगर मैं 7 साल वाला निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये कितना होगा 42 कैरी 7 63 4, ये हो जाएगा कैरी 6 और ये 7 76 52, और अगर मैं इसमें से घटा देता हूं किसमें से 14,522 में से कितना घटा दूं 76 72, तो ये कितना आ जाएगा 0 तो आएगा ही आएगा, कैरी हो गया 12 12 में से जाएगा तो 5 5 0 किसी में है 2 में है, ये कितना हो गया मेरा 4 14 14 में से 6 जाएगा 8 850 यानी 68,500 आंसर होगा इसका, चेक कर लो आंसर है, ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, सवाल में इसमें गड़बड़ी थी इस चीज को सही कर लीजिएगा, ठीक, कितना होगा 14,522, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, चलिए इसको देखिए ध्यान से, अब कह रहा है इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ने 5% पर उधार लिया, दूसरे वर्ष में प्रत्येक वर्ष की तुलना में 0.5% की वृद्धि करता है 4 साल में, तो देखो पहले साल दूसरे साल और कै साल तीसरे साल और कै साल चौथे साल, इसमें कै परसेंट बढ़ाया 5, पहले साल में लिया अगले साल 0.5 बढ़ा देगा, इसमें 6 इसमें 6.5 जोड़ लो 6 6 6 12 12 5 10 10 10 और 1 23, 23 हुआ ना, 23% ब्याज दिया और 23% बराबर कुल ब्याज कितना 4600, तो 00 हो जाएगा, तो इसका क्या गुना 200, तो 100 का 200 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 100 का 200 कितना 20,000, कैसे नहीं लगेगा, एक एक सवाल लगाया जाएगा, ठीक है, आंसर इसका कितना आ जाएगा 20,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने बताया है कि देखो क्या, जब साधारण ब्याज का गुना हो, ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज का हो जाती है गुना का सवाल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए जो कॉन्सेप्ट में जाएंगे, n-1 तो किसके लिए लगेगा, n-1 किसके लिए लगेगा, जब मिश्र धन रहेगा, यहां मिश्र धन नहीं ना है, ब्याज है n × 100, देखो साधारण ब्याज हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 गुणे
100 और ये आर टी कहां चला आएगा, टी नीचे 12 वर्ष तो 5 से काट दिए 25 बार में, सॉरी 5 से काट दिए कई बार में 20 बार में, 3 से काट दिए 4 बार में, 4 से काट दिए 5 बार में, यानी कितना वर्ष रेट रहेगा 5% पर एनम। चले ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये अप्रोच अभी देखो, वो सवाल मैंने तुमसे बोला कि डायरेक्ट कुल ब्याज मिल रहा है कितना, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आर वाला सवाल है तो पांतियाई 15 आर डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस यहां लिखेंगे इसको काट लिया 0 0, तो अगर मुझे गुणा करना है देख लो 5 गुणे कितना कर लेंगे बटा 100, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट लगेगा तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी करिए, तो ये आ जाएगा 32 25, यहां आ जाएगा 32 25 आर, प्लस यहां करेंगे कितना 7 गुणे 1225 ये है, और ये बट्टा क्या करना पड़ेगा 100, तो 0 0 कैंसिल ठीक, और यहां पॉइंट लगा देना है तो ये 700 875 हो जाएगा, 87.54 कुल कितना आर हो गया जोड़ लीजिए, कुल कितना आर हो जाएगा, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 12 10 135 5 135 आर होगा, बोलिए 135 आर, और 135 आर बराबर कुल ब्याज कितना 16 20, तो हमको रेट का फॉर्मूला चाहिए तो 16 20 बटा कितना 135 ठीक, 27 से कट रहा है क्या, 27 से काट देंगे कई बार में 5 बार में, 27 से कट रहा है 6 बार में, 27 का पहाड़ा होता है ठीक है, 5 से काट देंगे मेरे भाई कई बार में 12% आंसर है कि नहीं ठीक है। चले नेक्स्ट, अगला देखिएगा अप्रोच, ये सवाल कह रहा है कि कोई राशि 25% कितने वर्षों में, 5 वर्ष में 25% के बराबर, सॉरी कोई राशि 5 वर्ष में 25% मूलधन का ब्याज मिलता है, तो ये बताइए कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, तो मूलधन हमेशा आपका क्या होता है मेरे भाई 100%, तो 100% लाने के लिए किससे गुणा कर दे 4 से, तो इधर कितना वर्ष होगा 20 आंसर होगा कि नहीं होगा। एक एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिएगा, कैसे सवाल नहीं लगेगा देखते हैं, ये सवाल है ध्यान से देखिएगा आप इस सवाल को कैसे करना है। कह रहा है 9500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस 8 वार्षिक दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, चलो भाई ठीक है इसने बोला तो इसके अनुसार सोचो, इसको थोड़ा सा कम करो ठीक है ना, ये चीज आगे है। अब देखो 100% बराबर मेरा कितना, कैलकुलेशन तेज रहे, 9500 हुआ इसका कितना गुना 95 होगा कि नहीं होगा, तो ये बताओ ध्यान से, ये हमको पता करना है 11780 किसका 95 है, मिश्रधन है ना, किसका 95 है, तो हम इसको काट देंगे कितने से, पहले 19 से काटेंगे 5 बार में, तो 19 से ये कटेगा क्या बार में, 19 छके बोल कितना होना, 19 छके 606 और 20 यही होगा, 19 छके 114 ये हो गया, फिर 5 से अगर इसको मैं काट दूंगा तो कितना आ गया 124 ठीक है। डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यूट्यूबर्स को थोड़ा सा दिक्कत होगी जो लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे, अब मेरे पास जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं वो उनका कैलकुलेशन तेज है ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये कितना है यहाँ जो बैठे हैं, तो 100% और ये कितना परसेंट 24%, और ये किसके बराबर है RT% के, किसके बराबर RT% के बराबर, रेट और समय। अब इसमें देखो एक चीज दे रखा होगा क्या, रेट, रेट कितना परसेंट 8, तो 8 में का गुणा करोगे कि आ जाए, तो 3 वर्ष आंसर हमारे घर देंगे, बात क्लियर है ठीक। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला अब इसको कर रहे हैं देखिएगा, कोई धनराशि 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, ध्यान से देखिएगा 8 वर्ष में कितनी हो जा रही है, दोगुनी हो जाती है, तो आरटी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे n-1 × 100 वाला, हो जाती मतलब क्या है मिश्रधन, हो जाती मतलब मिश्रधन, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी दोगुनी, तो 2 से 1 कम कर देंगे कितना 1 × 100 बटा यहाँ 2 रखेंगे, और ये रेट समय दिया है, समय कितना दिया है 8, तो 12.5% आया। अब ध्यान से समझना, 12.5% आया तो कह रहा है कि 100% अगर 25,000 रुपया है, यही है ना, तो इसका क्या गुना 250 गुना, तो ये बताइए 1,00,000 किसका 250 गुना होगा, तो 250 गुना निकालना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल 250, तो 25 से काट देंगे कितना 400, तो 400 रुपया में तुम्हारा 100% क्या है मूलधन, तो 300 रुपया ब्याज है ना, और 300 ब्याज है, तो ब्याज में आरटी लगता है, ये क्लियर हो कि नहीं, क्लियर हो लगता है ना,
और इसमें तुम्हारा रेट क्या परसेंट निकाल ली हो 12.5, तो 12.5 से इसको डिवाइड कर दो तो 3000 बटा कितना हो जाएगा 12.5, 25 से काट देंगे 0.8 हटा रहा है ना, 0.8 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 0.8 के 25 से काट रहा है, 1 × 2 = 0.5 से काट दिए कितना 24 वर्ष, बात क्लियर है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अगला लिखिए ध्यान से, अगला 8 वर्ष में, ये सवाल बहुत बेहतरीन था, इस पे देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये सवाल है, तो देखो 100% हमको दिया है कितना रुपया 60,000, इसका क्या 6,000, इसका क्या गुना 60 गुना हो गया, तो कह रहा है हमने तुमसे बताया है SI क्या होता है RT%, SI बराबर RT, तो समय कितना है तुम्हारा 8% है, 8% हो गया, और समय, यहाँ समय क्या कर देंगे महीने में बदलेंगे, महीने को साल में 21/12 काट लेंगे, तो 2 काट लेंगे 3 से काट दिया 7, यानी 7 × 2 = 14 का क्या गुना करना पड़ेगा 60 गुना, यानी 14 × 6 = 84, 10 आंसर कितना आ जाएगा 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड 840, अगला देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक आदमी 32,000 रुपए का ऋण लिया और ब्याज के रूप में इतना रुपया भुगतान किया, ध्यान से समझना इस सवाल को, बेसिक की तरफ ले जाना, क्योंकि दो दो बार मानना है, SI = P×R×T/100, ये कितना रुपया है 11,664 है, ब्याज के अंत में मिलता है, और ये तुम्हारा कितना है 32,400 × ये चीज समझना, ब्याज दर का क्या है R और T ले लेते हैं, ब्याज दर का, ब्याज की दर समय का क्या है 1/4, यानी ये 4 होगा तो ब्याज क्या होगा 1, यानी मैं रेट को R मानूंगा तो समय को 4R मानना पड़ेगा, बोलो माना 4R बटा कितना कर लो 100, 0 काट दूंगा, 324 से काटना है मत काटो, 2 से काट दो, मत काटना, रुक जाओ गलती हो जाएगी, मत काटना, कत्ता ही मत काटना, क्या करना है स्क्वायर बनाना है ना, 4R है ना, स्क्वायर बन रहा है ना, सबको ले आओ, देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, सब काट देंगे, ठीक है, सब काट देंगे, हम लोग नहीं काटेंगे, 324 बटा क्या आ जाएगा 4, सब वर्ग है किसी ना किसी का, ये किसका वर्ग है ध्यान से देखिएगा 2 का, ये किसका वर्ग है 18 का, ये ध्यान से देखो किसका वर्ग होगा 8 का वर्ग 64, और 108 में 8 जोड़ दो 116, तो ये किसका वर्ग है 108 का, तो देखो 36 अब कोई भी बच्चा रहता उसको काट पीट कर रहा होता लेट हो जाता तो कितना परसेंट आ जाएगा 3%, वर्ग दिख रहा है तो काटेंगे ही नहीं, बेवकूफ थोड़ी है, अगला लिखिए, हाँ वर्ग दिख रहा है तो काटना क्यों मैं पूछ रहा हूं, चलिए ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक ठीक, ये चीज देखिएगा, निकटतम बताना है, निकटतम सनिकट किसके होगा, यानी सनिकट के हिसाब से इसको लेके चलना है, चले ठीक, तो लगभग लगभग में हम इसको देख रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, साल कौन सा है याद रखना, ये बहुत खतरनाक, 2012 लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने फरवरी महीना होता है 29, इसीलिए ये सवाल बनाया गया है, ठीक है, चले तो अब इसको लेते हैं, तो इसको अगर करने की कोशिश करेंगे, और ये परसेंटेज देखना डिस्टर्ब है शायद, परसेंटेज सही कर लेना, परसेंटेज ये नहीं होगा 82% कभी भी नहीं हो सकता, कितना 8 / 3/4%, ठीक है 8 / 3/4 ये है, चले तो अब देखो ध्यान से, 7800 रुपया SI निकालना है, SI निकल जाएगा तो हम उसमें भुगतान करेगा तो वो जुड़ देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, SI निकाल ले तो ये हो गया 7800 रुपया, कोई दिक्कत, रेट कितना हो जाएगा 8 × 32 = 35/4 बटे नीचे कितना 100, और समय हमको देखना है, समय कितना कर ले, समय करेंगे देखिए ध्यान से, तो समय कितना, इधर कै दिन लगा, एक बैंक से उधार लिया तो 6/24 से लिया तो कै दिन 7 दिन, ठीक, इधर फिर 29 गुणा कर रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस होगा 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में कई दिन तक रखा? 17। जून में कई दिन तक? 17। 17 दिन जून में। ये केवल 145 है यहाँ। 17 ध्यान से जोड़ो, अच्छा सॉरी 8 दिन हो जाएगा ये, ठीक है 24 को ले रहा है ना, ठीक है 24 को ले रहे हैं 8, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? 146 और बटा कितना? 365, सही है। चले 5 से काट दे रहे हैं, 7 बार में 5 से काट दे रहे हैं, 7 × 3 = 43, 43 से काट दे रहे हैं कई बार में? 2 बार में, 2 से 2 को काट दे रहे हैं, 00 से 00 कट गया और 2 से काट दे रहे हैं इसको कई बार में? कितनी बार में? 39, 390 यही आएगा, जरा गुणा कर लो, 390 गुणे 7 गुणे 2, जल्दी करिए, कितना? तो ये आ जाएगा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ 2 कट गया है, हाँ 390 गुणे 7 करो फिर 2730, और 2730 रुपये किस में जोड़ दे? 78000 में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 03708, 80730 के करीब में कोई आंसर है? निकटतम मारिए जाइएगा। और इसमें सन लो क्यों कम हो रहा है, एक दिन इसमें भी कम होगा, नहीं ये कम हो गया है, ये एक दिन और कम होगा, 7 दिन, 146 नहीं होकर 145 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी ये बोल देना चाहिए था ना, 24 को लीजिए ना 18 को लीजिए, उसको बोल देना चाहिए था, उसकी गलती है, ठीक है, नहीं बोला है इसलिए कम आ रहा, नहीं तो अगर उस पर एग्जैक्ट लिया जाएगा तो यही आंसर होगा। चलिए ये कंडीशन देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल, डराने वाला, ठीक है, डरवा देगा लेकिन कुछ है नहीं। चलो ध्यान से देखो, कह रहा है आर एस से कुछ रुपया उधार लिया, आर से एस उधार लिया, एस ने इसको कै रुपया चुकता किया? 17000 अधिक देके भुगतान किया, 17000 अधिक देके भुगतान किया। अब ध्यान से, फिर सेम पैसा एस ने टी को, सेम मनी उधार दिया, ठीक, टी को उधार दिया, इसको उधार दिया, और इसने कितना वापस किया एस को? कितना? 8.5% के हिसाब से। कह रहा है इस पूरे लेन देन में एस द्वारा ना लाभ हो ना हानि, मतलब हम 17000 रुपया जो यहां से कमाए हैं वो 17000 हमको वापस कर दे, यानी हम लिख सकते हैं 8.5% बराबर कितना? 17000। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पॉइंट हटा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये इसका क्या गुना? 2000 होगा, तो ये बताओ 100% का 2000 कितना हो जाएगा? 2000 कितना हो जाएगा? 2,00,000 आंसर है, ठीक। चले नेक्स्ट, अगला देखिए, सेम सवाल अभी हम लोग किए थे, जो सवाल हम लोग का गड़बड़ हुआ था एडिटिंग में उसको सही से देख लीजिएगा। जैसे कह रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 17,08 हो जाती है तो 3 वर्ष में 16,30 हो रही है, तो इसको अगर मैं घटाऊंगा तो एक साल में मेरा क्या ब्याज होगा? 8 कैरी दे दिया 7, सही है ना, मैं गड़बड़ नहीं ना, देखते रहिएगा, ये कितना हो जाएगा? कैरी दे दिया तो 78 रुपया होगा ना सिर्फ, हाँ चलिए एक साल में 78, तो 3 साल वाला हम निकाल लें, तो 3 साल में 3 के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो 21, 24, 34, 3, 234 आया था, और अगर 1630 में से मैं कितना रुपया घटा दूं? 234 रुपया, तो देखो 300 रहता तो सीधे आ जाता 1396, आंसर मारिए घर जाइए, चले ठीक 1396। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, घबराइए मत, हम लोग बहुत करीब रहेंगे, असल बात हम लोग एक बार, कठिन है ये थोड़ा सा, देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, आर टी इज इक्वल टू, हम भी पूरा पसीने से भीग गए हैं, ठीक, इसको देखते रहिएगा, गर्मी यहाँ ज्यादा है क्योंकि लाइट सारे ऑन है, ठीक है। अगला लिखिए, ये कितना हो जाएगा? 8/7 − 1 गुड़े कितना? 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? टाइम 2 साल, रेट निकाल लेंगे क्योंकि कौन सा सवाल है, हो जाती है मिश्रधन, मिश्रधन का गुना का सवाल है, मिश्रधन का गुना का सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये आ जाएगा 1/7 × 100, आंसर कितना होगा? 2 से काट देंगे कितना? 50, ठीक, तो 50 काटेंगे यानी 7 सही, 1/7, यानी 2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सारे गड़बड़ होंगे फिर यहाँ पे,
सात सही एक बटा 7% ये वाला आंसर होगा, क्योंकि दो दो बार दिया है, ये भी अलग दिया होगा, ये भी अलग दिया होगा, ठीक है। सारे ऑप्शंस गलत हो गए होंगे, ठीक है, जो पेपर में आया होगा कुछ और होगा। आंसर एक्चुअल में क्या है, 7 सही 1/7। ऑप्शन नोट करना है तो इसका ऑप्शन क्या है बोल दीजिएगा जरा, 6 सही 3/7, 8 सही 1/7, 7 सही 3/7 और ये 7 सही 1/7। चले ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। इस क्वेश्चन को कहते हैं कोई व्यक्ति कितना पैसा लेता है, कितने महीने के लिए, 18 वर्ष के लिए पैसा लेता है, कितने वर्ष के लिए, 18 वर्ष के लिए पैसा लेता है। और 18 वर्ष के लिए पैसा लिया है तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, पहले 8 फिर बाद में 6 14 और 4, हो गया पूरा 18। तो हमको क्या करना है, पहले 8 वर्ष के लिए 8 7.25, फिर किसका गुणा करना है, 6 वर्ष के लिए 8.5, फिर 4 वर्ष के लिए 6.5। तो ये देखते जाइए कितना कितना हो जाएगा, 6 6 24 2 26, ये एक मिनट आराम से धीरे धीरे, ये कितना हो जाएगा 51, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56 56 56 56 56 4 56, कितना हो जाएगा 58 ही होगा, 2 होगा ना, 25 8 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58, सबको जोड़ दे रहे हैं, सबको जोड़ दिया जाएगा तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, 135 कैरी, और 135 बराबर कितना हो गया, 3 5 1 0 0। तो जरा इसको काटने की कोशिश करिएगा, 35 दूना 2 बार में, फिर जाएगा 6 0, 260 गुना हो रहा है क्या, ठीक, 260 गुना हो जाएगा, तो 100 का कितना होगा, 260, 200 का 260 कितना हो जाएगा, 26,000। चले ठीक, नेक्स्ट, नहीं समझ में आएगा तो 27 से काट दीजिएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, 27 से जैसे काटेंगे 27 25 और 27 से कम 27 और 27 3 81 हो जाएगा, सही है। 5 से काट देंगे क्या बार में, 260, ठीक ठीक, 2600, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26,000। अगला लिखिएगा, ठीक, ये सेम सवाल है, 26,000 आंसर मारिए, ठीक है, सेम सवाल। अगला देखिएगा, सेम वही सवाल है, 18,000 रुपए इतना है, ध्यान से समझिएगा ये सवाल, इतना रुपया आपने निवेश किया है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9840, तो इसका कितना गुना होगा, ये कितना, 98.4, अरे 0 0 कट गया, ये इससे डिवाइड करेंगे तो हम ये पता करने कि ये किसका 98.4 गुना है, तो हम क्या करेंगे, 98.4 से डिवाइड कर दे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको 8 बार में काट रहा है, ये अगर 1000 होगा, 123 से ये 8 बार में 12 8 96 दिख रहा है, ठीक, 8 बार में कट गया, 8 से हम इसको काट देंगे, 125 आ गया, 125 में 100 रुपया तुम्हारा क्या है, मूलधन, तो 25 रुपया ब्याज, तो इसमें आरटी होगा कि नहीं होगा, ब्याज आरटी होगा, आरटी में से देखो आर कितना परसेंट है, 5%, तो समय कितना होगा, 5, ठीक, तो आंसर मारिए घर जाइए 5। नेक्स्ट देखिएगा अगला, 24 नंबर, चलिए, 30,000 रुपया लगा है और कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, फिर वही कॉन्सेप्ट, 100% है, सेम कॉन्सेप्ट है, 30,000 रुपया लगा दिया तो ये इसका क्या गुना, 300 गुना, क्या कह रहा है, 38,400 रुपया, तो ये किसका 300 है, ये पता कर ले, तो ये बताओ 300 से इसको काटेंगे ना, पता करने के लिए, 00 से 00 काट दिया, 3 से काटेंगे, 3 1 3 2 और 3 8 24, सही है कि नहीं है, 24। अब इसमें 100% तुम्हारा क्या है, मूलधन, तो बचा कितना परसेंट, 28 और 28% बराबर क्या होगा, आरटी कितना है, 8% हो गया, तो अब 8 से मेरे भाई इसको डिवाइड करो, 8 3 24 और 8 5 40 3.5, क्लियर है, देखिए बहुत बेहतरीन, ऐसा ऐसा तरीका आपको देंगे ना यूट्यूब पे कि लोग दहल जाएंगे कि ये भी कॉन्सेप्ट से सवाल लग सकता है, बस ये है कि आप ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, 6400 रुपया कितनी हो जाती है 3 वर्ष में, 8 3 2 0, तो ये बताओ ब्याज क्या रुपया हो गया, 2 0 कैरी दे दिया, कैरी दे दिया, 13 में से 4 गया 9, और ये कितना हो जाएगा 1920, 3 साल में हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना, 640,
एक साल का ब्याज 640 मिला, तो हम तुमको रेट का फार्मूला क्या पढ़ाया है रे बच्चा, एक साल का ब्याज कितना 640 और मूलधन में कितना जीरो कम दो, तो क्या परसेंट आ गया 10%। तो ये बताओ 7200 रुपए है तो 100% बराबर 7200 हो गया। तो अब मैंने तुमसे क्या बोला आरटी 7200 पांच वर्ष में, तो पांच का गुणा करेंगे ना तो ये कितना परसेंट 50%। तो ये बताओ ये इसका आधा होगा कि नहीं होगा, आधा कितना हो जाएगा 3600। हमसे मिश्र धन पूछ रहा कितनी हो जाएगी, तो दोनों जोड़ देना, तो जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो गया 150% बराबर कितना 10800। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अगला लिखिए, ठीक, इस चीज को नोट करते रहिएगा एक एक चीज, ठीक है। चले करीब है हम लोग बहुत, चलिए वापस कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, राशि क्या कर रहा है वापस कर रहा है, राशि क्या कर रहा है वापस, वापस कर रहा है मीन्स मिश्रधन है। तो यहां क्या हो जाएगा आरटी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100, गुना में जब भी सवाल रहेगा तो 9/5 माइनस 1 गुणे 100, समय कितना है मेरे भाई 4 वर्ष, तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ रेट रह जाएगा, तो अगर मैं करूंगा तो 4/5 गुणे कितना हो जाएगा 100/4, 4 से 4 काट दिया और इससे मैं काटूंगा तो क्या परसेंट 25% पर एनम। इस कॉन्सेप्ट से अगर सवाल लगेगा तो 5 से काटे गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ सॉरी 5 से काटेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 20, सॉरी माई मिस्टेक, ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 20%। ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखें। ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सेट किया था जिसने भी सेट किया होगा, मैं उसको थैंक्स गॉड कहता हूँ कि ऐसा सवाल सेट हो रहा है। ठीक है, एसएससी से हमको ये उम्मीद नहीं हुआ करती थी। यहाँ सारा खेल तो इसके साधारण ब्याज का 7 गुना हो जाता है, और मैंने तुमसे बोला है SI1/SI2, यही बोला है, कह रहा है कि पहला अगर एक्स परसेंट, यही होता है ना आरटी होता है कि नहीं होता है, आरटी होता है ना, बहुत बेहतरीन सेट किया गया। और एक जान का एक लाइन का सवाल अगर मेरा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आरटी परसेंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स गुड़े 3 होगा, और यहां क्या है, यहां क्या है कि यदि धनराशि क्या है उस पर साधारण ब्याज कितना रहे सेम धनराशि पे, तो ये हो जाएगा 3x, ब्याज हो गया परसेंटेज, और समय वाई वर्ष अधिक है, ये थोड़ा सा ध्यान समझना, यानी 3 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा और वाई वर्ष अधिक है, तो हम यहां क्या रखेंगे गुणे 3+y, और यहां ब्याज इसका क्या गुना है 7 गुना, तो ये बताओ 3x से 3x कैंसिल, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे 1/3+y = 1/7, तो हम लिख सकते हैं 3+y = 7, तो y = 4, आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कह लड़के अगर इसमें ऑप्शन 7 दे दिया होता ना तो 7 मानते, वहां ये चीज पे नोटिस ही नहीं करते कि ये अधिक दिया है, वाई वर्ष अधिक है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा, सेम सवाल है, खाते में 80,000 रुपया जमा करना चाहता है और उसके खाते में 12% वार्षिक लगता है। चलिए ठीक है, 80,000 रुपया है, मान लो मेरा एक खाता है 80,000 रुपया है इसमें, और 12% वो हमको ब्याज चुका रहा है, 00000 कट गया 12 के 96, तो 96 में कितना 0000, और इसमें से 3000 रुपया सॉरी 3000 रुपया हमारा कौन सा शुल्क लग रहा है, 3000 कौन सा शुल्क है 6600, तो 6600 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है, शुद्ध शुद्ध फायदा हो रहा है, तो 6600 को क्या बोले थे रेट का फॉर्मूला, मूलधन में क्या 0 कम 2 0 कम, तो मूलधन में 2 00 से 00 कट जाएगा, 8 8 64, 8 2 16 8 5 40, जल्दी से नोट करिएगा, पानी लीजिए। अगला लिखिए, चले चलिएगा, आवाज बैठ रही है। चलिए देखिए, हमने आपसे बोला है कि साधारण ब्याज किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है,
स्वयं की कितनी गुनी हो जा रही है, चार गुनी हो जा रही है। हो जाएगी का अर्थ क्या है, मिश्र धन। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, होगा कि नहीं होगा। एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या होता है मेरा, चार गुनी चार में से एक जाएगा, चार रखेंगे चार में से एक जाएगा, तीन गुणे सौ, समय कितना बारह, समय बारह है तो रेट निकाल सकते हैं चार, और चार से काट देंगे कई बार में पच्चीस, आंसर पच्चीस। चले ठीक, अगला देखिएगा ध्यान से, अब इस सवाल को देखते हैं। आठ हजार रुपया 6% पर इतनी दी जाती है, वही वाला सवाल देखिए, पी आर टी इज इक्वल टू पी आर टी। चले 800 रुपया है कितना परसेंट, 6% गुड़े 5.5 इक्वल टू, इज इक्वल टू उधर कितना है 600 रुपया, इधर 4% और समय को टी मानने को दिक्कत, 00 से 00 कट जाएगा, बोलिए सर 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 2 बार में, तो ये इसका कितना आ जाएगा 11, टी बराबर कितना परसेंट 11%, यानी आंसर क्या आएगा 11 साल। चले आंसर कितना आएगा 11 साल। अगला देखिएगा ध्यान से, अब इस सवाल को देखिए ठीक, ये सवाल पढ़ लीजिएगा, कह रहा है ध्यान से, एक निश्चित ठीक है, एक निश्चित समान राशि पर 4.5% में 35, एक वर्ष में 35.5% ब्याज होता है, उसी ब्याज को 5% के हिसाब से जमा करेंगे तो हमारा कितना होगा, एक वर्ष में कितना होगा, क्या ये सही है सवाल, देख लेना। इंटरेस्ट रुपीज इन वन ईयर द इंटरेस्ट ऑन, ये परसेंटेज सही है क्या, परसेंटेज हमको गड़बड़ लग रहा ना, गड़बड़ परसेंटेज नहीं, ऑप्शन सही है नहीं, गड़बड़ है, 0.0 हमको लग रहा है छूट गया है ठीक है। ये ब्याज है ना, ध्यान से समझ जाइए, क्या है ब्याज प्राप्त होता है, तो 4.5% बराबर कितना हो जाएगा, 4.5% बराबर कितना 13.50, पॉइंट हटाएंगे जीरो, सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 135 हुआ, तो अब ये इसका देख लो कै गुना है, 30 गुना है कि नहीं है, 30 गुना है ना, हाँ 30 गुना है, तो 5 का 30 गुना कितना होगा, 5 का 30 गुना 150, सीधी बात याद रखना, यानी आंसर क्या होगा यहाँ 150, 160 ऑप्शन ऐसे बना होगा ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 150। चले ठीक, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, इस सवाल को देखिएगा, एक धनराशि 8 वर्ष में क्या हो जाती है, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना, फिर वही चीज, RT इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, मैंने आपसे बोला है कितना गुना दिया है स्वयं की, तो 3 में से एक जाएगा, 2 गुणे 100, रेट कितना है 8, 2 से काट दें 4, टी अब इस बार निकालना था, 4 से काट दें कितना 25, तो टी बराबर कितना 25 साल, आंसर है क्या, आप लोग ऑप्शन मिलाते चलिए ऑफिशियल आंसर भी से ठीक है, घबराइएगा मत ठीक, मूलधन से कम है, देखिए ध्यान से बहुत बेहतरीन सवाल है, साधारण ब्याज मूलधन से कम है, ये चीज समझिएगा, तो हम इसको कर रहे हैं ठीक, तो ये अगर करेंगे तो हमारा आरटी कितना होता है, आरटी कितना होता है 6 गुणे 12.5%, 12 6 72, 72 और 6 का आधा, 6 का आधा कितना होगा 3, 6 का आधा कितना होगा 3, तो ये 72 और 3 75% होगा कि नहीं होगा, सही है ना, देख लेना 12 6 72 और 6 का आधा 3 आ जाएगा, 750 आएगा अगर आप इसका गुणा करेंगे तो, हो गया, अब 750 में 75% हुआ, तो कह रहा है ये साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, तो ये तुम खुद ध्यान से सोचो, 100% मूलधन होता है कि नहीं होता है, और ये तुम्हारा क्या है SI, यही होता है ना, तो ये इससे कितना कम है 25, और 25% बराबर कितना 13500, होगा कि नहीं होगा, इसका गुना ढूंढ देना बाबू जरा, तो 5 5 25 बचा कितना 10 0 4 100, कितना गुना 540, तो 100 का 540 कितना हो जाएगा, 100 का 540 कितना होगा 54000, होगा कि नहीं होगा 54000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा अगला ठीक, चले अरे हम नहीं से गड़बड़ी हो गया क्या, नहीं सही तो है,
अच्छा हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, हम मूलधन निकाल दिए, सॉरी हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, हमने क्या निकाल दिया, मूलधन, ध्यान से समझो। तो हम 75 निकाल सकते हैं, बोलो तीन गुना कर दे, 25 × 3 = 75, तो इसका तीन गुना कर देना, तो 3 × 00 = 5 × 3 = 15 × 1 = 13 × 13 = 39 × 1 = 40। सॉरी मेरी गलती है, हमने 100% मूलधन निकाल दिया, मूलधन नहीं पूछा था, क्या पूछा था, साधारण ब्याज, तो आंसर क्या होगा, 40,500। चले मूलधन पूछता तब हो जाता, देखो कितना फंसाने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। अब 8500 रुपए में 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, यदि दर इतनी हो जाती तो अगले 5 वर्ष में, 5 वर्ष में उसी मूलधन पर कितना मिश्र धन होता। बहुत बेहतरीन सवाल, नहीं है आसान सा है, ठीक है। चलो देखो 11,050 मिल रहा है किस पे, 8500 पे मिला ना ब्याज, तो माइनस करना जरा, तो ये आ जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 हुआ। चले 6 से इसको काट दीजिए, क्योंकि ये 6 साल में ब्याज मिला है, तो 6 से काटेंगे, 6 × 4 = 24, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, सही है। अगर 6 से काटिए इसको, देखिए 425 रुपया मिला। तो हमने आपको रेट का फॉर्मूला क्या बताया है, 1 साल का ब्याज बोला है ना, और मूलधन में कितना जीरो कम, 2 जीरो कम कर देंगे, ये 85 से काट दिए कई बार में, 5% हुआ। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि वो स्वयं की 1/2 क्या हो जाती है, गुनी हो जाती है ना, तो उसकी 1/8 कर लोगे, 18 × 5 = 90, 9% लगेगा, हो जाएगा ना 18 × 5 = 90। रेट देखो, सुन लो, दर स्वयं की क्या हो जाती है, 1.8, क्लियर है ना, तो 18 × 9 तो कितना परसेंट, 9%, और 9 × 5 = 45, होगा कि नहीं होगा। तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो 100 में जोड़ दें, तो ये कुल कितना हो जाएगा मिश्र धन, 145। मिश्र धन क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 145 यानी 100% तुम्हारा, देखो भाई कितना रुपया, जल्दी से गुणा करो 8500, तो 145 का 85 गुणा करना है ना, 85 बोलो कर लोगे, 85 तो करिए, 12,325 आंसर है, 12,325 चौथा आंसर, ऑफिशियल में चेक कर लेना, ठीक है, ऑफिशियल में आंसर होना चाहिए। चले अगला देखिएगा ध्यान से, इस बार SSC केवल इसी पे बनाई है। अब देखो रेट निकालना है, बहुत बेहतरीन सवाल। अगर 4 साल में अगर मुझे 10,200 रुपया 9,000 पे मिलता है, तो कै रुपया ब्याज मिला, 1200 रुपया 4 साल में मिला, तो 1 साल में कै रुपया मिलेगा, 300। रेट का फॉर्मूला तुमसे क्या बताए हैं, 1 साल का ब्याज तथा मूलधन में कै जीरो कम, 2 जीरो कम, तो कितना हो जाएगा, 90, 0 से 0 काट दें तो 10/3। देखो ऑप्शन गड़बड़ है क्या सारा, 4 सही 2/3, 7 सही 1/3, 5 सही 1/2, 3 सही 1/3, तो 3 सही 1/3, ऑप्शन सारे गड़बड़ थे, थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हो जा रहा है टाइपिंग करने में, ठीक है। चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला करें, कर लोगे ये वाला, लास्ट ही चल रहा होगा। 5 क्या है, एज एस है, 2 खातों में जमा करता है क्रमशः 8% और 12% की दर पर साधारण ब्याज मिलता है, 1 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 रुपया मिलता है, तो 12% पे वही एलिगेशन है, कौन सा सवाल है, एलिगेशन पढ़ाए हैं ना, देखो कै परसेंट, 8%, और कै परसेंट पे देता है, 12% पे। अगर कै साल में 1 वर्ष में 5200 रुपया मिला, तो मूलधन में कै जीरो कम, 2 जीरो कम, 5000 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, सही है ना, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बोला है 52/5, सब जगह 5 से गुणा, 40, 60 और 52, मान लो अगर बट्टे में आ गया तो काटने उठने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख दो और सब जगह किससे गुणा कर दो, पूरे इक्वेशन में 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 12, और ये कितना आएगा, 8, किस अनुपात में, 2 संबंधे 3 और 2 3, कुल कितना, सॉरी 2 3
कुल कितना, पांच पांच बराबर कितना, 50,000 है कि नहीं है, इसका क्या गुना 10,000, तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, 12%, तो 12 के नीचे कितना रेशियो आया है, 3, तो 3 का 10,000 कितना हो जाएगा, 30,000 आंसर है, ऑफिशियल आंसर की चेक करना फर्स्ट वाले में, 30,000, ठीक है, 30,000 आया है ना, चले कहां गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ हुआ करे तो बोल दिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तुम लोग यहां बैठे हो और किसी चीज के लिए, क्योंकि हम हो सकता है दिन भर थके रहते हैं, कभी कभी गलती हो जाएगी, ठीक है, हो जाती है, हो जाती मतलब मिश्र धन, तो आरटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 100, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये कितना होगा, 3 है, 3 यहां रख देंगे तो 2 × 100/16, तो 2 से काट देंगे 8, और 8 से काटेंगे 12.5, आंसर है क्या 12.5%, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला है साधारण ब्याज का, 21,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 6400 रुपया ब्याज अर्जित करती है, तो ब्याज का दर, तो ये बताओ 3 साल में क्या रुपया मिला, 6400 रुपया, तो 1 साल में क्या रुपया, सारे परसेंटेज भी गड़बड़ है हमको लग रहा है, चलिए ठीक है, जो भी है, कितना है, 10 सही 5/63, 10 सही 2/63, 10 सही 13/63, 10 सही 10/63, चले अब देखिएगा ध्यान से, तो अब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 64/, बोलो कोई गड़बड़ी नहीं बोलना है, 64/3, घबराना मत, डरना मत, मैं पहले बता रहा हूं, डर गए तो मर जाओगे, पहली बात छोड़ना नहीं है, डरना नहीं, डरोगे तो डराएगा ये सवाल, तो रेट का फॉर्मूला क्या बताए हैं, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन में 2 जीरो का, तो 1 वर्ष का ब्याज हमने कितना निकला, 64/3, ये बताओ पूरा बट्टा लगेगा कि नहीं लगेगा, 21 होगा, 2 जीरो कम ना, हाँ, और गुणे कितना, 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना, 64,000, अरे ये है ना, अरे सॉरी ये 100 का तो जरूरत नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 100 की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आया था बाबू, 10 सही, 1 वर्ष का ब्याज है ना, 0 से मत काटना, ये कितना हो जाएगा अभी, 6400/630, 1 जीरो से 1 जीरो अब कटेगा, तो देखो कई बार में जाएगा, 10 सही 10/63 ऑप्शन है, 10 सही, 1 वर्ष का ब्याज तथा मूलधन में 2 जीरो कम, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, चले ठीक, तो अभी एक चीज याद रखो कि हम लोगों ने लगभग कितना क्वेश्चन कर लिया है, 36 क्वेश्चन किया है, ठीक है, 36 या 35 क्वेश्चन हमने किया है, अब ये सोच लो 35 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या मिनट में निकाल ले गए, 40 से 45 मिनट में निकाल लें, अगर इसी स्पीड से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं समझाने में, तो सोचो अगर हमको सॉल्व करना रहेगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक, बस आप लोग से अनुरोध है, देखो कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा लाजवाब पढ़ाऊंगा, तो आप लोग से अनुरोध है कि देखो हम बहुत तपे हैं, हम पहले कह रहे हैं हम बहुत तपे हैं और बहुत लेट हैं यूट्यूब पे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, ठीक, हमसे लोग पहले पहले से यूट्यूब पे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट तुमको नहीं देंगे जो चीज मैं दूंगा, बस एक बात आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरा शेयर करते रहिए चैनल, और अपना सपोर्ट हमारे पे बनाए रखिए, हम भी आपके भाई बेटे की तरह हैं, जैसे भी हो इस चीज को मेंटेन किए रहिए, और मैं कह रहा हूं इस पूर्वांचल में अगर क्रांति लाएगा कोई तो वो है अगला मनीष राय, और मैं लगातार कह रहा हूं इस चीज को मैं चलाता रहूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हर पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा, बाकी हर चीज के लिए हर पेपर को बेहतरीन तरीके से आपको देने की कोशिश करूंगा, बस आज के लिए इतना ही, आपसे अनुरोध है इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए।